ये जो मीडिया, यहाँ तो अच्छे अच्छे मीडिया वाले भी मुझे आज मिले हैं, नेक लोग भी मिले हैं। मीडिया के चंद बंदे सड़कों पर बैठे हुए किसी मलंग का इंटरव्यू करते हैं, क्या एन महक रखे तुसी जी, कौन हो वो मुंदरियां पाइया, पंग पीनी, चरस पीनी, सूटे मारने, जिनू अपनी खबर नहीं ओदा इंटरव्यू लैके अगे कौम को बतलाना कि पीर ऐसे होते हैं। बताऊं तो मैं पीर कैसे होते हैं? पीर होते हैं अब्दुल कादर जिलानी जैसे, नंबर बंदों के अमामी नहीं, दो नंबर बंदों के अमामी नहीं। वो जो आमिल शामिल होते हैं जो दुआए कुनूत नहीं सुना सकते। मैनू सुनो ना, मुझसे सुने कोई, मैं भी तो पीर हूं, मुझसे सुनो। और आपको मजेदार बात बताऊं, मुझसे कोई सुने, मैं दो तरह की दुआए कुनूत पढ़ता हूं जी। ये मौलवी मेरे हल तक हो दुआए कुनूत, हमसे कोई सुने छठा कलमा, हमसे कोई सुने, हमसे कोई सुने। इमाने मुफसल किसे कहते हैं? ऐसे बंदे से जाकर पकड़ते हैं जिसको चर्स के नशे में वो लट की के अगर दाता को की लेना है, सही दाता साहब दे सी मलांगा, दाता साहब दे असी मलांगा, अब वो वीडियो बना है। ओ खुदा के बंदे, जहां दाता साहब की दरगाह पर इस तरह के लोग हैं तो इस तरह के लोग तुम तो इनको नजदीक तक ना आने दो। ये दाता ही का सीना है कि जिसे कोई ना पूछे उसे भी दामन में छुपा रखा है। ओ दसो ऐ हो जे मस्तन, तुसी भी हाथ लाओ, नशे में मदोश कपड़े उतरे हुए मलंग, आता जाता भी कुछ ना हो, तुम उन पर आवाजें कस रहे हो और वो जिसके दरवाजे पर बैठे हैं वहां आवाज लगाने वाला आवाज लगा रहा है, ऐ दाता साहब दे लंगर खा लो। कदी जिंदगी च बाबियां दी मुखालफत?